आज मैं आपको बताऊंगी कंपोनेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन नेटवर्क। क्लास 9th का ये टॉपिक है, चैप्टर नंबर 4 का, कि बेसिकली क्या कंपोनेंट्स होते हैं कम्युनिकेशन नेटवर्क के। कल का जो मेरा 9th क्लास का लेक्चर था उसमें मैंने बताया था कि कम्युनिकेशन सिस्टम क्या होता है और उसमें हम कैसे काम करते हैं। आज मैंने बताना है कि बेसिकली इसके कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं और ये कैसे वर्क करते हैं और ये कैसे चलता है सिस्टम। तो सबसे पहले इसका कंपोनेंट कौन सा होता है, सेंडर। सबसे पहला कंपोनेंट ही सेंडर होता है। सेंडर वो जो डाटा को सेंड करना चाहता है, ठीक है। इट कैन बी अ हैंड हैंडल डिवाइस, कंप्यूटर, एनीथिंग, ठीक है, जो के वांट्स टू शेयर डाटा विद अदर पर्सन। वो इंसान जो अपने डाटा को शेयर करना चाहता है, आपने भी अगर अपनी किसी को पिक्चर्स भेजनी है तो आप भी क्या हैं, आप एक सेंडर हैं, ठीक है। आप कोई चीज़ सेंड करें तो सेंडर वो पर्सन है जो वो डाटा को शेयर करना चाहता है, सेंड करना चाहता है। फिर सेकेंड पॉइंट पे आता है रिसीवर। रिसीवर वो है जो उस डाटा को रिसीव करेगा, या हम कह सकते हैं डेस्टिनेशन ऑफ अ डाटा। जो डेस्टिनेशन है डाटा की, जहाँ पे डाटा ने जाना है, जहाँ पे जाके रुक जाना है, और जिसने डाटा को रिसीव करना है। आपने पिक्चर सेंड की, आप सेंडर हैं, और जिसने रिसीव किए हैं वो डेस्टिनेशन है, और जिसने पिक्चर रिसीव किए हैं वो कौन है, रिसीवर है। फिर आता है मैसेज। मैसेज यानी कि वो पिक्चर, डाटा, इन्फॉर्मेशन, ऑडियो, वीडियो, इट कैन बी एनी टाइप ऑफ टेक्स्ट, ठीक है, वो कुछ भी हो सकता है जो आपने मैसेज में सेंड करना चाहते हैं। सेंडर इस मैसेज को सेंड करना चाहता है इस रिसीवर को। कहानी इन तीनों के बीच में है, ठीक है। ये सेंड करना चाहता है, ये रिसीव करना चाहता है, और ये वो चीज़ है जिसको ये सेंड और ये रिसीव करना चाहता है। फिर इसमें आता है 4th पॉइंट में आता है ट्रांसमिशन मीडियम, यानी जो चीज़ ये सेंड करना चाहता है, ये इसको ये कैसे जाएगी, वो पाथ। ये है हमारा सेंडर, ये है हमारा रिसीवर, ठीक है, और ये है हमारा मैसेज। अब ये सेंडर, इस सेंडर ने मैसेज भेज रहा है रिसीवर को। मैसेज ये है, जो ये हम पाथ यूज़ कर रहे हैं ना, वो बेसिकली ट्रांसमिशन मीडियम है, फिज़िकल पाथ, ठीक है। फिज़िकल पाथ जो है वो बेसिकली हमारे पास क्या है, ये जिस पाथ को यूज़ करते हुए डाटा जो है वो ट्रैवल करेगा और अपनी डेस्टिनेशन तक पहुँचेगा, उस पाथ को हम कहते हैं ट्रांसमिशन मीडियम। बेसिकली एक सेंडर ने रिसीवर को मैसेज भेज दिया और उसने जो पाथ, जिस पाथ को फॉलो किया, वो पाथ क्या है, ट्रांसमिशन मीडियम। अब 4th मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़, यानी कि लास्ट चीज़ है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो क्या चीज़ है, वो है प्रोटोकॉल। प्रोटोकॉल बेसिकली क्या है, प्रोटोकॉल है सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन। ये गवर्न करते हैं या ये डील करते हैं, ये मोनिटर करते हैं कि हाउ योर मैसेज इज सेंड टूवर्ड्स, सेंडर ने मैसेज सेंड किया रिसीवर को, ये इस पूरे गेम को मॉनिटर करता है। बेसिकली प्रोटोकॉल ये गवर्न करता है कि कैसे, ये हमें सिखाता है पूरे नेटवर्क को कि कैसे मैसेज जो है यहाँ से यहाँ तक ट्रैवल करेगा। और अगर हमारे पास, हम प्रोटोकॉल को यूज़ ना करें तो हम कनेक्टिविटी इस्टेब्लिश कर सकते हैं, लेकिन कम्युनिकेशन नहीं हो सकती दोनों के दरमियान, यानी कि सेंडर और रिसीवर। बेसिकली प्रोटोकॉल हमारे पास ऐसे, जैसे व्हाट्सएप की एप्लीकेशन है, आपके पास डाटा पैकेज तो है, ठीक है, आपके पास एक दूसरे का नंबर भी है, लेकिन अगर आपके पास व्हाट्सएप की एप्लीकेशन ही नहीं है तो आप एक दूसरे से कम्युनिकेट कैसे करेंगे। तो वो व्हाट्सएप की एप्लीकेशन क्या है, वो है प्रोटोकॉल, जिसको आप यूज़ करके अपने डाटा को सेंडर से रिसीवर तक पहुँचाएँगे, यानी कि उसके डेस्टिनेशन तक। अब यहाँ पर हम डायग्राम को देखेंगे, ये डायग्राम बिल्कुल आपको एक्सप्लेन करेगी। बेसिकली सेंडर ने सेंड कर दिया किसको, मैसेज को, किसके, किसे, रिसीवर को, ठीक है। अब बेसिकली सेंडर ने सेंड कर दिया मैसेज, ट्रांसमिशन मीडियम ये पाथ है जिसके थ्रू इसने सेंड किया है, और मैसेज यहाँ से ट्रैवल कर रहा है। और प्रोटोकॉल क्या चीज़ है, जिसने रिसीवर को भी मॉनिटर करना है और सेंडर को भी मॉनिटर करना है। ये दोनों जो हैं किसको लेकर चलेंगे, प्रोटोकॉल को, ठीक है। इन दोनों के दरमियान में क्या चीज़ है, प्रोटोकॉल है। अगर प्रोटोकॉल नहीं होगा तो कम्युनिकेशन जो है डेटा की वो नहीं हो सकेगी, ठीक है। ये बेसिकली क्या है, कंपोनेंट्स ऑफ कम्युनिकेटिंग नेटवर्क हैं। होपफुली कि आपको समझ आ गया होगा कि ये कैसे काम करते हैं और इनके क्या क्या रोल्स हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।